अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त और भाई मेरे ठीक होंगे। मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब भाइयों और दोस्तों से गुजारिश है कि जिनको वीडियो पसंद आए शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना, और जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें ताकि नई से नई वीडियो उनको मिलती रहे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में नागी मुर्गी का शौक करवाया था, ये ऊपर आप देख ही रहे हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नागी मुर्गी का मैंने आपको शौक करवाया था और इसकी मैंने निशानियां बताई थी। इसके हवाले से मैंने आपको इसके आँख के मतलब बताया था, इसके ताज के मतलब बताया था, इसके मैंने पल्लों का नागी मुर्गी का शौक करवाया था, इसके गर्दन के हवाले से भी बताया था, और इसके बाद इसकी मैं टांगों के नलियों के सब कुछ आपको इसका शौक करवाया था। इसकी माँ मेरी फेवरेट मुर्गी थी, सब दोस्त और भाई मुझसे मांगते थे और ख़रीदार भी मुझसे रابطہ करते थे। इनको मैंने नहीं दी और अपने दोस्त को मैंने बच्चों के लिए ये दे दी थी निकालने के लिए, क्योंकि आप पहले ही वीडियो में देखते आ रहे हैं मेरे पास बहुत सी मुर्गियाँ कुर्क पे बैठी हुई हैं। इस वजह से जगह ना होने की वजह से मैंने अपने दोस्त को इसकी माँ नागी मुर्गी बच्चे निकालने के लिए दे दी थी। और जब मैं अपने दोस्त के पास गया तो मैंने देखा कि जो नागी मुर्गी इसकी माँ मैंने उधर छोड़ी हुई थी अपने दोस्त को दी हुई थी, तो उसके बच्चे ये ठीक नहीं निकले हुए थे। और मैंने उससे पूछा ये क्या, उसने कहा मैं अपने काम में मसरूफ़ था जिसकी वजह से जो मेरे पास देसी मुर्गा था उसने ये क्रॉस कर दिया मुर्गी को और बच्चे नहीं सही निकले। और फिर मैंने उसको मशवरा दिया कि इसको सेल कर दें, और मेरे दोस्त ने कहा ठीक है सेल कर दें। और ये आप चूज़े देख ही रहे हैं वीडियो में, ये सील और देसी का क्रास है, शक्ल इसकी सील से मिलती जुलती है और चोंज और जो ताज है वो भी मिलता है हल्का फुल्का सील से। और ये नीचे आप वीडियो में मेरे दोस्त का नंबर लिखा हुआ है, अगर किसी भाई को चाहिए तो मेरे दोस्त से रابطہ कर लेना, आपको मिल जाएंगे। मज़ीद मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।